बच्चों को वो अपना आशीर्वाद सदा देते रहते थे। इस मौके पर मैं सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और ईश्वर उनको दीर्घायु दे और जिस पथ पे वो चले हैं उन्हें उसे उस पे सफलता मिले, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं। अब ये तो सरकार देखेगी, सरकार इस पे गहन विचार करेंगे, सभी से सलाह मशवरा करके अब अगला कदम क्या उठाना है सरकार ने, उस सरकार पे निर्भर करना। अब ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या जब ये सीपीएस बनाए जा रहे थे तो क्या कांग्रेस क्या उठाने जा रही है वो सरकार पर निर्भर। क्या आप समझती हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जानी चाहिए, एक तो एक्ट को लेकर या इनकी नियुक्तियों को लेकर? देखिए, विदाउट नोइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स आई कांट से एनीथिंग, लेट अस फर्स्ट स्टडी इट एंड देन ओनली वी कैन से कि क्या। कह रहे हैं कि इनको अब इनकी सदस्यता खत्म होनी चाहिए। वो तो कहेंगे ही, पर हमने देखना है कि अगला कदम क्या उठाया जाएगा और सरकार क्या निर्णय करती है। उन लोगों की सूची तैयार की जाएगी, हर क्षेत्र में जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स हैं उनसे विचार विमर्श किया जाए, उनकी सलाह ली जाएगी और हम चाहेंगे कि एक एक मजबूत पार्टी का संगठन हम तैयार करके अगले चुनाव का सामना करने के लिए हमारे पास एक मजबूत पार्टी कार्यकर्ता हो जो रात दिन फील्ड में काम भी करे और पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना समय भी दें और उस तरीके से उनकी उसमें भूमिका अदा करें।